सो टुडे इज़ अ डे वन ऑफ माई न्यू व्लॉग सीरीज़। तो पिछली दो सीरीज़ को आपने काफ़ी प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। हाँ, वायरल नहीं हुआ है बट यस, आपने काफ़ी प्यार दिया है, तो इसी तरह से प्यार देते रहना। मैं विश करती हूँ कभी ना कभी मैं भी वायरल हो जाऊँगी, मेरी भी कोई व्लॉग सीरीज़ इस तरह से कोई वीडियो वायरल होगी। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। रील्स भी अब मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया, तो ये डे वन ऑफ व्लॉग सीरीज़ भी था, प्लस डे वन ऑफ माई जोमेटो फर्स्ट डे भी था। मुझे नहीं पता था जोमेटो पे कैसा होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड मैंने 2-3 स्पॉन्जेस एक्स्ट्रा बना के रखे थे कि अगर कुछ सडन ऑर्डर आता है कि नहीं, बट पूरा दिन मैं सिर्फ वेट करती रही। आई वॉज लाइव ऑन जोमेटो, मैं अपने दूसरे फ़ोन से भी चेक कर रही थी, बट येस, कोई भी ऑर्डर मेरे पास जोमेटो का नहीं आया। मे बी क्योंकि अभी मेरा फ़ोटो सेशन वगैरह भी नहीं हुआ है जोमेटो से। तो मैं आपको सारे अपडेट्स, आप पेज को फॉलो कर लीजिए, आप डेली व्लॉग्स में मैं आपको सब बताती रहूँगी कि मेरा कैसा रहेगा। मुझे भी नहीं पता है कि जोमेटो में कितने दिन से ऑर्डर आते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि न्यू सीरीज़ थोड़ा डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे आज का केक भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मेरा एक रेगुलर क्लाइंट का ऑर्डर था, तो यहाँ पे आइसो मेल्ट वाला टॉपर बनाना था, तो मैंने रेडीमेड ही लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी मिला के उसको मेल्ट कर लिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म इसको हमें करना रहता है, टेम्परेचर इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसमें मैंने डाला टर्क्यूज़ कलर, मैट पे मैंने स्प्रेड कर दिया और ये थोड़ी ही देर में काफ़ी अच्छे से हार्ड हो जाता है, तो उसके बाद मुझे इसको करना था। ये केक था तो छोटा सा, बट इस केक को बहुत ऐसे पार्ट्स में मुझे करना था, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले सेट कर लिया। और फिर मुझे इस केक में, एक्चुअली जो क्लाइंट ने मुझे इमेज भेजा था वो फॉन्डेंट केक था, उसको रेप्लिकेट करना था, तो मेरे को क्रीम के रफल्स बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने R11 नोजल ली है और यहाँ पे मैं इसके रफल्स बना रही हूँ। सो वाइट लिया, फिर टर्क्यूज़ लिया, फिर डार्क टर्क्यूज़ कर दिया, तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल क्रीम में ही मेरे रफल्स बन गए थे। फिर मैंने इस टॉपर को थोड़ी देर बाहर रख, क्योंकि वेदर ऐसा है, तो मैंने इसको क्लिंग रैप करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस पे किया सिल्वर स्प्रे, थोड़ा सा गोल्ड डस्ट भी लगा दिया था मैंने। और ये रफल्स को भी, पता है, मैंने फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखा था कि ये रफल्स भी थोड़े से सेट हो जाए, क्योंकि इस पे भी मुझे गोल्ड डस्ट लगाना था, क्योंकि अदरवाइज़ ये मेल्ट हो जाता है। सो गोल्ड डस्ट में मैं वाटर ही ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑन ऑफ कहीं पे भी रैंडमली इसको लगा रही थी। और उसके बाद फिर कुछ फॉक्स बॉल्स लगानी थी एज जो क्लाइंट का इमेज था, तो उसमें इमेज में कुछ टर्क्यूज फॉक्स बॉल भी थी जो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने फॉन्डेंट की कुछ बॉल्स बना के लगा दी। सो केक का लुक ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल मतलब क्लाइंट हैरान हो गया कि ये व्हिप क्रीम में भी मैंने इतना अच्छा केक बना दिया। तो बॉल्स लगा के, टॉपर लगा के मैंने उसका ये केक बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो रात को 8 बजे तक था मेरा जोमेटो का टाइम, आई वॉज चेकिंग, बट कोई ऑर्डर नहीं आया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। तो ये जो व्लॉग सीरीज रहेगी ये 100 व्लॉग्स की रहेगी, प्लस 100 डेज ऑफ जोमेटो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है ये सीरीज। किसी ने भी अगर अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।